अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, एक मुआफ़ कर देना और दूसरा इंसाफ कर देना। मुआफ़ करना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला पसंद करता है जो दूसरों को मुआफ़ करता है। और इंसाफ करना, हम ये तो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि लोग हमें मुआफ़ कर दें, लेकिन हम दूसरों को मुआफ़ी नहीं देते, और ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात है तालीम के बारे में, तो तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। ये शेख सादी फरमाते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वाकई हमें तालीम तो मिल जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें बोलना कब है और कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक की वजह से लोग फेमस भी हो रहे हैं, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी सोसाइटी में आ रही है। क्यों आ रही है, क्या वजह है, इस बारे में भी बात करेंगे। और आज सोशल मीडिया के भी बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे क्या मौसम बदलने से आपके बिहेवियर भी चेंज होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा हम बात करेंगे आइल्स के टेस्ट के बारे में कि क्यों लोग डरते हैं और कैसे पास करना चाहिए टेस्ट को। और इसके अलावा बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कि कितना ज़रूरी है टेक्निकल एजुकेशन हासिल करना। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, जो कि हमारे शो में आती रहती हैं और रौनक भी है हमारे शो की, हमारी ख़ास गेस्ट हैं जी, जहाँ आरा साहिबा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप जहाँ आरा? बहुत अच्छी भी लग रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मेरे साथ एजुकेशनिस्ट हैं जी शाने जहरा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने शो में देखिए। और हमारे बड़े जी यंगस्टर हैं जो टिकटॉक पे काफ़ी फेमस भी हैं, इसके अलावा मॉडलिंग भी करते हैं, जो जिनका नाम तो शहरोज़ है लेकिन वो फेमस है जट बहादुर के नाम से। थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है आपको भी अपने शो में देख के। और गुफ्तगू का आगाज़ अगर किया जाए तो जट बहादुर ने ये जो बेड वगैरह रखी हुई है, ये अपना एक गेटअप टिकटॉक की वजह से रखा है? टिकटॉक से पहले ही मुझे शौक था इस चीज़ का। अच्छा, पहले ही था जी? ज़बरदस्त। तो अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ तो कितना अरसा हो गया है आपको टिकटॉक बनाते हुए? 6-7 मंथ हुए हैं। 6-7 माह हो गए। कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? 6.5 लाख से ज़्यादा। 6 माह में 6.5 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं जी, और जो आप वीडियो बनाते हैं वो शेयर भी करते हैं जी। आप तो अच्छे खासे फेमस हैं पाकिस्तान में। तो आप कहाँ से शौक आया आपको टिकटॉक बनाने का? ऐसे ही दोस्तों ने बोला कि आपकी लुक डिफरेंट है तो आप बना के देखो। मेरी पहली वीडियो पे 30-40 हज़ार फॉलोअर्स आ गए थे। ज़बरदस्त। तो लाइक्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो अब तो मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। ठीक है, मुझे शहरोज ये बताइएगा कि टिकटॉक बनाने के लिए लुक का अच्छा होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़्यादा ज़रूरी है? ये तो लोगों की डिमांड, अब बुरे बुरे लोग हैं, फुल्लू सबसे फेमस जा रहा है और वो मजदूर है। हाँ, उसके 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, तो इसमें कोई लुक वगैरह, उनमें भी टैलेंट है, उसकी लैंग्वेज, उसकी मासूमियत को सारे लाइक करते हैं, सब लाइक करते जी। जबरदस्त, मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है इसमें टैलेंट का होना जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, कुछ भी बोल दे होना चाहिए जी। जबरदस्त जबरदस्त, इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन मैं जहारा से राय लेना चाहूंगी। जहारा, आपने टिकटॉक देखा होगा, काफी लोग आजकल मसरूफ है, हमारे बच्चों से लेके बड़े तक आपने देखा होगा, सब इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे टिकटॉक के बारे में? अच्छा, क्वाइट एंटरटेनिंग, एक्साइट है और अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली मेरा ख्याल है टाइम के साथ साथ जो है टाइम कंजम्पशन के बड़े इश्यूज आते हैं जी। तो टिकटॉक मेरा ख्याल है एक ऐसा फोरम है जहाँ पे थोड़े से टाइम्स पे बच्चों ने बड़ा अपना डबिंग्स और इस तरह की चीज़ें की हुई हैं। मेरी बेटी ने भी एक बनाया हुआ है और वो उसको अक्सर करती रहती है। बड़ी चीज़ें मुझे, मैं इंस्पायर भी हूँ, लेकिन आप जैसे आप कहती है बींग अ थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट, तो अब हम लोगों ने हर चीज़ में मतलब निकालना होता है कि व्हाट आर द कॉजेज एंड रीजंस, जो अभी हम बात भी पहले कर रहे थे। बिल्कुल, सो मतलब एक अच्छी चीज भी है टिकटॉक, टैलेंट भी सामने आ रहा है। एक्जेक्टली, मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ टैलेंट एंड एंटरटेनमेंट जैसे बाकी, और इसकी एक्सेप्टेंस अभी तो लोग बड़ा कह रहे हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जैसे आपको याद होगा कि 10 ईयर्स बैक जो है वो फेसबुक के बारे में बड़ा था, और फिर ट्विटर का अभी तक नहीं समझ आया लोगों को कि बेसिकली उसका यूज किया है।
तो टिकटॉक भी ये है कि टिकटॉक और स्नैपचैट और इस तरह की चीजें ऐसी हैं जो जिन्होंने बच्चों में बड़ी मकबूलियत हासिल की है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप भी टीचर हैं, आपको भी पता है स्टूडेंट्स आपके बना रहे होंगे। देखिए ये वाला जो टाइम पीरियड है ऐसा है जिसमें हर बंदा परेशान है, फॉर्म्स डिफरेंट है बट एवरीबडी इज वरीड, कहीं माली हैं, कहीं जिस्मानी, कहीं औलाद की तरफ से, कहीं और पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिकल हैं। तो इस टाइम पीरियड में अगर हमें टिकटॉक अच्छे पॉजिटिव मिलते हैं तो दैट्स एंटरटेनिंग, और फॉर द टाइम बीइंग हम जो है वो हर चीज़ से, हर परेशानी से आज़ाद हो जाते हैं और उसको हम इंजॉय करते हैं। तो हमारे मुल्क में वैसे ही खुशियों की और इन चीज़ों की कमी है, तो ये टिकटॉक एक प्लस पॉइंट है अगर विद इन लिमिट्स रहे। ठीक है। अगर जो ही एवरीथिंग जब वो लिमिट से आउट होती है तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इस तरीके से नया नया टैलेंट हमारे पास आ रहा है। आप देखती हैं टिकटॉक? बिल्कुल, देखती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन है फेवरेट आपके, आपने इनको भी देखा होगा टिकटॉक? मैंने इनको देखा है लेकिन मुझे पहचानने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन कैसा है इनका टैलेंट, आपको पसंद आए? अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर देखे ना इरम, हमारे पास बे इंतहा टैलेंट है, हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कि जहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकें। तो ये वाहिद जगह हमें लगी कि जहाँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट दे कैन प्रमोट देयर टैलेंट्स। तो हमें जो पॉजिटिव है उनको बैकअप करना चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वेरी गुड, जबरदस्त। अब जी शहरोज से बात करते हैं। शहरोज आपका अपना नाम बहुत अच्छा है इसलिए मैं आपका अपना नाम दे, मुझे पता है आप काफी फेमस है जट बहादुर के नाम से, तो लोगों को पता चल जाएगा आप वही है, इसलिए मैं आपका नाम शहरोज ले रही हूँ। अच्छा शहरोज मुझे बताइएगा कि अम्मी को अच्छा लगता है जब शहरोज को लोग कम जानते हैं और जट बहादुर को ज्यादा जानते हैं? वो कहते हैं ना कि मैंने नाम रखा था और अब आप उनको देख के लोग पीछे नहीं इतना ज्यादा आते, उनके घरों में नहीं जाते। अच्छा मुझे बताइएगा टिकटॉक ने नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ा है सोसाइटी में या पॉजिटिव, आपको क्या? हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, आप इसमें अब कोई लोग है इस्लाम की तबलीग भी कर रहे हैं, कोई लोग है गालियां भी दे रहे हैं। ठीक है, दोनों है। जी दोनों ही है। तो आप क्या चाहते हैं कि पॉजिटिव इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए? पॉजिटिव इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए इसका हर चीज का, बल्कि। अच्छा मुझे बताइएगा शहरोज, आपको नहीं लगता कि जो टिकटॉक ज्यादा बना रहे होते हैं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपकी राय कुछ भी हो सकती है, उनकी वजह से लोगों में एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा आना शुरू हो गया? जैसे आपके फॉलोअर्स अगर 6 लाख है और मेरे अगर 2 लाख है, मेरे में ज्यादा टैलेंट है, तो आपको नहीं लगता कि मैं टेंशन में रहना शुरू हो जाऊंगी और हर वक्त सोचती रहूंगी कि शहरोज के फॉलोअर्स कैसे ज्यादा हो गए? जी जेलसी तो फिर काफी मतलब होती है, और फिर उसके बारे में नेगेटिव कमेंट भी करने लग जाते हैं, रिपोर्ट्स करने लग जाते हैं अकाउंट्स को। अगर 10-12 लोग किसी के अकाउंट को रिपोर्ट कर देते उसकी फिर वीडियोस वायरल नहीं होती। अच्छा रिपोर्ट कर सकते हैं? जी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप कोई भी उठ के रिपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, या कुछ जो फेमस ऐसा लोग होते हैं ना मेरे जैसे, अगर 10-12 मिलके किसी को एक के पीछे पड़ जाएंगे ना, नहीं तो रिपोर्ट करने का क्या तरीका है ना, मैं फेसबुक पे रिपोर्ट कर सकती हूँ अगर ये मुझे थ्रेट कर रही है या मुझे अब्यूज कर रही है, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं आप? ये कोई नहीं, कोई मतलब मेन इशू नहीं होता। अगर टिकटॉक आपके साथ है तो कोई भी नहीं आपको रोक सकता, मतलब व्यूज उन्होंने देने होते हैं आपके। ठीक है, कोई वीडियोज होती है अगर आप पहली मरतबा लगाते हैं उसको व्यूज नहीं आते, आप डिलीट करके दोबारा लगाए उसको व्यूज आ जाते हैं। ये लोगों के ऊपर नहीं होता, ये टिकटॉक वाले व्यूज देते हैं। ठीक हो गया, सही। तो मुझे ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि टिकटॉक ज्यादा इसलिए भी लोग बनाना शुरू हो गए क्योंकि इससे पैसे भी मिलते हैं, अगर आपके फॉलोअर्स आपको मिलते हैं? जी काफी, मतलब शोज वगैरह प्रमोशन वगैरह, उसके अलावा फॉलोअर्स काफी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ठीक हो गया। हाँ जी, नहीं टिकटॉक आपको पे करते हैं? टिकटॉक नहीं कुछ पे करता, टिकटॉक कंपनीज वगैरह आपको कर रही होती, स्पॉन्सर कर रही होती, स्पॉन्सर कर रही होती है। ठीक हो गया, टिकटॉक आपको पे नहीं करता? जिनको हमने शॉर्ट आउट या प्रमोट करना होता है ना वो पैसे देते हैं बस, हमें टिकटॉक की तरफ से बेशक 2 मिलियन फैंस हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता। एक चीज तो क्लियर हो गई कि टिकटॉक से आपको पे नहीं करता, आप कंपनी किसी को कुछ नहीं पे करती, ये लोग पे करते हैं जो ब्रांड्स वगैरह वाले होते हैं वो, जिनके आप टिकटॉक बना देते हैं, जिनका नाम ले लेते हैं। जहाना आपकी राय लेना चाहूंगी, जैसे मैंने जिक्र किया कि फॉलोअर्स कुछ लोगों के ज्यादा हो जाते हैं, कुछ के कम होते हैं, तो एक दौड़ लगी हुई है, इससे भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, किसी भी काम का देखें एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड ना जी, तो जो चीज़ भी एक्सेस को क्रॉस कर देती है, बियॉन्ड द लिमिट्स चली जाती है,
जैसे देखिए कमेंट्स कौन ऑब्जर्व करेगा, मतलब मैं तो नहीं कोई 300-400 कमेंट्स को कभी भी रीड नहीं करूंगी ना। बिल्कुल। तो अब जो इनको रिपोर्ट करेगा वो वही बंदा होगा जो सारे ही कमेंट्स को भी देख रहा होगा, इनको बड़ा कीनली फॉलो कर रहा होगा। बिल्कुल। तो अपना कितना इंपॉर्टेंट टाइम इस चीज के ऊपर कंज्यूम कर रहा होगा, तो उसकी एंग्जाइटी लेवल का अंदाजा तो आप इसी चीज से कर सकते हैं कि वो बार बार से इस कॉम्पिटिशन का पार्ट बन गया ना। फिर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बेसिकली हमारे यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में लॉन्च हो जाती हैं चीज़ें, जैसे टिकटॉक लॉन्च हो गया, स्नैपचैट लॉन्च हुआ, फेसबुक हुआ, लेकिन उसके यूजेस अब्यूजेस मेरिट डिमेरिट्स हमें पता नहीं होते, मतलब पर्सनली मुझे नहीं पता कि बेसिकली इसका राइट फोरम क्या है टिकटॉक का ना, व्हाट्सएप इसका जो ठीक है एक इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट तो आप कहीं पे भी बाय स्ट्रीट पे खड़े होके इफ यू स्टार्ट सिंगिंग एंड टॉकिंग गॉसिपिंग तो वो दूसरों के लिए इंटरटेनमेंट ही होगा उस टाइम पे। तो हमें ये चीज़ बकायदा लॉन्च नहीं की जाती ना, बस हमने कहीं से देखा और वो किसी कंपनी ने उठाया और अपनी वेबसाइट के थ्रू या कुछ पैसा कमाने के लिए उसने उसको लॉन्च की और वहाँ से देखा देखी डबिंग कॉपी और बस एक के बाद दूसरा जो चीज़ें वो वायरल होती हैं। उस वायरल होने में ये होता है कि जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रेट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसा फेसबुक पे अभी लास्ट ईयर में बहुत केसेस रिपोर्ट हुए थे जिसमें सेल्फीज लगाना, फूड फेस्टिवल्स पे जाना या बहुत ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज या आउट ऑफ कंट्रीज में जाने के बाद उसकी जो रेटिंग, तो एक बच्चों में बहुत डिप्रेशन देखने में आया। बिल्कुल। और बच्चों की आर्गुमेंट्स भी पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा से ये रिपोर्ट हुए कि मेरा फलाना दोस्त समर वोकेशन में वॉज नॉट हेयर एंड वाई वी आर हेयर इन पाकिस्तान या वाई वी आर नॉट गोइंग टू, ठीक है। सो ये चीज़ें जो छोटी छोटी सी होती हैं जिनको मेरा ख्याल इस एज में शायद हम बाधा नहीं करते, लेकिन उस सेम एज ग्रुप में लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही होती है। बेशक हम बिजी होते हैं, हम ये भी सोच रहे होते हैं कि नो प्रॉब्लम, अगर जहाँ आ रहा चली गई है तो नो प्रॉब्लम, मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ आ रही होती है कि इसे मिल गया है मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्यों ज़्यादा खुश है। एज ग्रुप्स होते हैं जो बहुत वल्नरेबल होते हैं जी, वहाँ पे ये होता है कि वो पीछे नहीं चल रहा होता, वो फ्रंट पे यही चल रहा होता है, यू नो। अब हमारी तो ये होता है कि शायद आप कह रहे हैं कि मसरूफियात, लेकिन कुछ बच्चे उनकी, अब जब इनके दोस्त होंगे जब इनको मिलेंगे तो इनकी जो मेजर डिस्कशन होगी वो यही होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है ना। और ये बात करेंगे कि किस तरह हम लोगों ने इसको फेम करना है, कैसे फॉलोवर्स हैं, कैसे व्यूअर्स हैं, और बहुत से ऐसे भी बीच में होंगे जिन जो इन तक नहीं पहुंच सकते होंगे ना, तो वो फिर वो जो है वो एंग्जाइटी में ही जाएंगे। ठीक हो गया, मतलब एंग्जाइटी होती है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी कि हाँ ये वजह है आजकल जिसके फॉलोवर्स ज्यादा हो जाए? बिल्कुल, बच्चे आप देखती हैं टेंशन में, रोजे अजल से ये चीज आ रही है, रहमानियत और शैतानियत साथ साथ चल रही है और पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ आए हैं। तो ये चीजें जहाँ पॉजिटिविटी क्रिएट करती है वहीं पर नेगेटिविटी भी क्रिएट करती है, और ये जो सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपको यू कैन फाइंड इन एवरी फील्ड ऑफ ठीक है। आप कहीं भी देख लीजिए, ये सिर्फ शोबिज से रिलेटेड नहीं या जो फेमस हो गए उससे नहीं, इवन लोअर लेवल पे भी आप देखें ये चीज़ें चल रही हैं। और अगर ये कंट्रोल में रहें तो हेल्दी हैं, मतलब अगर एक नेगेटिव ये सोच रहा है कि मेरा इससे कंपटीशन है पॉजिटिव वाले से और वो उसको पॉजिटिव लेके उसके ग्रो करता है, ठीक है, दैट्स हेल्दी कंपटीशन। मगर जो ही ये नेगेटिविटी की तरफ टर्न करता है तो फिर ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, फिर वो पर्सन जो है वो अपने लिए भी नुकसानदेह है, वो माशरे के लिए भी नुकसानदेह है, वो पूरे मुल्क के लिए क्या, पूरे इंसानियत के लिए नुकसान। ठीक हो गया, मतलब जो भी काम किया जाए उस पर एक तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, दूसरा लिमिट में होना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जी शहरोज से पूछेंगे, शहरोज आप बताइएगा कि आप लोग टिकटॉक जो है ये फेमस होने का आसान तरीन तरीका है या नहीं? सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान है, सबसे आसान तरीका फेमस होने के लिए। आपने सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बनानी है, वो लोगों ने आपको प्रमोट करना, जो लोगों को पसंद आएगा वो आप लोग फेमस। अच्छा ये रोज जब आप टिकटॉक नहीं बना रहे थे उससे पहले भी आपको एक्टर और मॉडल बनना था क्योंकि आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं? बिल्कुल। या नहीं आपको नहीं बनना था? बनना था मुझे। आपको यही बनना था? आपने पढ़ा क्या है? बीबीए किया होगा मैंने। बीबीए किया होगा, ठीक है। अब कुछ लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं जो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम उनको तो अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिकटॉक पे आके गालियां देते हैं, इसके बावजूद उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी जो वीडियो होती है फेमस होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाना शुरू हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं टिकटॉक से? बहुत बुरी चीज़ है ये, एक दूसरे का नाम लेके डायरेक्ट बोल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल,
और गालियाँ इतनी इतनी गंदी होती जो फैमिली तो देख ही नहीं सकती ना। काफी लोग इसकी वजह से सारे टिकटॉकर्स को बुरा समझते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको भी यही समझते हैं कि ये टिकटॉक पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो कोई अच्छी चीज हो नहीं रही। सही हो गया मतलब। अच्छा तो क्या करना चाहिए इन लोगों को, आपको नहीं लगता टिकटॉक वालों को या आप सबको मिलके इन लोगों को ब्लॉक करवा देना चाहिए जो अब्यूज करते हैं या जिनकी वजह से नेगेटिविटी सोसाइटी में आ रही है, या नहीं उनको भी काम करना चाहिए? रिपोर्ट तो उनको करना चाहिए ना जो इनको फॉलो करते हैं। तो आप लोग करते हैं मिलके? हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को भी नहीं करते कभी भी। क्यों, क्या वजह? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते सोसाइटी में जो नेगेटिविटी उनको खत्म करने के लिए? लेकिन आप इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। अच्छा इस शो के बाद करेंगे? जी जरूर करेंगे। अगर आप इतने फेमस हैं आपके साथ 4-5 लोग और करेंगे तो ऐसा ऐसा ये चीजें खत्म होगी और जो नॉर्मल लोग हैं जिनमें टैलेंट है वो भी आगे आएंगे। जी 3-4 लोग तो ऐसे सिर्फ आते ही गालियां निकालने हैं ना, और उनकी वीडियोस जाती भी लाखों में लाइक्स है उनके। मुझे तो उन लोगों पे हैरानगी आती जो उनको लाइक करते हैं। हाँ और आप उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा, फॉलोअर्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे अपना कोई फेमस डायलॉग या एक्टिंग का कोई ऐसा पार्ट जो आप जो काफी फेमस हुआ हो करके दिखाएंगे? करके तो वो तो सारी डबिंग होती है ना, साउंड होता है उस पे। कोई याद है डायलॉग याद है? हाँ जी वो एक याद है, तूने शेर को कभी जंगल में चलते देखा? हाँ चले अब करके दिखाइएगा, एक्ट करके दिखाइएगा। वो साउंड वगैरह होगा तो एक्ट होगा। अच्छा वैसे नहीं, नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, कोई फिल्म का डायलॉग याद है जो आपकी फेमस फिल्म हो और आपको बड़ी पसंद हो? जी उसका है, संजय दत्त का। हाँ जरूर करके दिखा। और एक वो गनी मेरी जान सोना नहीं मार देंगे वांटेड मूवी का डायलॉग है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब अभी आप कोई डायलॉग नहीं बोल के सुनाएंगे हमें, उसके लिए प्रॉपर एक सेटअप चाहिए। प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है क्योंकि वो हम अपने साउंड पे नहीं बनाते, वो पहले से साउंड बना होता है टिकटॉक पे, ठीक है, सिर्फ आपने एक्ट करना होता है। सही हो गया, ठीक हो गया। अब जी जहारा की तरफ वापस आते हैं। जहारा मुझे बताइएगा, मौसम के बदलने से आपके बिहेवियर भी बदलते हैं? बिल्कुल, मैं इस पे बात करूंगी अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जरूर, कमेंट कहना चाहती हूं। जी जी जरूर। अच्छा क्या आप समझते हैं जो चीज मैं ऑब्जर्व करी थी अभी ना, और मेरी बेटी ने एक दो दफा घर में बनाई टिकटॉक पे, एक बड़ी फेमस सी वीडियो आपको याद होगा जिसमें एक जंप लगाते हैं सीढ़ियां चढ़ के और उसके बाद फिर यूं फेस शो इम्पैक्ट आता है कि जैसे ऊपर से जंप आए। हाँ जबकि वो सिर्फ बैक, उसने बहुत प्रैक्टिस की उसकी ना, और मुझे एक मोबाइल पकड़ा के इसलिए मुझे याद भी था। जो चीज़ मैंने नोटिस की वो, और अब सेकेंड आपको मैंने ऑब्जर्व किया उसके बाद, जो चीज़ मैंने नोटिस की आपके ख्याल में कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उतनी ही है जितनी कि रियल लाइफ में वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पे या लाइक नॉर्मली हम कहीं पे खड़े होके भी, जैसे प्रैंक कर दिया या जैसे किसी लाइव इवेंट की हम वीडियो बनाते हैं। तो आप समझते हैं कि टिकटॉक की जो वीडियोस हैं वो आपके अंदर उतनी ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करती हैं जितनी नॉर्मल वीडियोस या नॉर्मल एक्टिंग? सॉरी मैंने आपकी जगह का क्वेश्चन किया, जरूरी था, ये जरूरी था। एक्चुअली ऑब्जर्व दिस ना, जी जी टिकटॉक पे जो होते हैं ना लोग वो नॉर्मल उस तरह के नहीं होते जो टिकटॉक पे होते हैं। एक्जेक्टली, देखिए एक पॉइंट हमने ये अभी मैंने फाइंड आउट किया कि ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं लोग। आप लोग कमरा बंद करके ऐसे ही है ना, लेकिन पहले पहले इंटरेक्शन नहीं करते आप लोग। लेकिन अब जहां आप देखते हैं मॉल्स में भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो वाली बात मैंने भी, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग देम ना दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, मतलब वो उनकी कमांड उनका कॉन्फिडेंस वो नहीं होता। हाँ जी, जो वीडियोस में जो वीडियो में होता है और लाइव लगते भी नहीं है वो, बहुत सारे लोग ऐसे रियल लाइफ रियल लाइफ में टिकटॉक आपकी पर्सनालिटी को फिर उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा जैसे हमारे बाकी फोरम्स कर रहे हैं। ओके ठीक हो गया। अब जी वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। हाँ मौसम का मूड पे देखें, शुरू से ही जो है हमारे पे जो मौसम है माहौल है ये हमारे मूड पे बड़ा इफेक्ट डालता है। बिल्कुल। अच्छा है, हर इंसान का जो है वो एक अपना उसकी बॉडी में और उसकी जो साइकी है उसमें अपनी चेंजेस आ रही होती हैं। जी। लेकिन ये स्पेसिफाई करते हैं हम लोग फॉल का एंड और विंटर का जो स्टार्ट होता है ना उसको हम सैड के नाम से कहते हैं ना, कैप्स वाला सैड है ये, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बेसिकली इसमें क्या ना, फॉल के एंड से स्टार्ट होता है और विंटर के स्टार्ट से, तो उसके अंदर ये होता है कि हमें एक ग्लूमी सा इफेक्ट आता है और इट्स बिकॉज ऑफ लाइक जैसे कहें कि डेज की जो है वो टाइमिंग बड़ी शॉर्ट हो जाती है, इवनिंग ज़्यादा लंबी होती है और इवनिंग का जो स्टार्ट है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, मतलब शाम से ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ये होता है कि वो देर तक चलता है, यानी हम लोगों का जो है वो 9 और 10 बजे तक हमें ये लगता है कि ये तो रात हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें हमारे मूड पर इफ़ेक्ट करती हैं और फाइनली ये
लेट 19 में ये चीज़ रिपोर्ट हुई, जब बहुत ज़्यादा केसेस आए सामने लोगों के मूड्स पे ना, खासतौर पे वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी मेंटल उनकी हिस्ट्री थी मेंटल डिसऑर्डर की या मेंटल अनस्टेबिलिटी की हिस्ट्री थी, उन पे ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट की, और जिन लोगों पे ये चीज़ इफेक्ट ऑलरेडी उनकी हिस्ट्री नहीं थी उनको भी मूड्स स्विंग्स आने शुरू हो गए। तो ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ये एग्जिस्ट करता है बड़ा स्ट्रांगली जी, हमारे मूड पे भी इफेक्ट करता है, और गुड थिंग इज कि इट्स अ मैनेजेबल, इट्स अ क्योरेबल, ठीक है, और जैसे ही ये सीजन ओवर होता है तो हम अपनी रूटीन में वापस आते हैं। ठीक है, जहाँ ना दिसंबर और नवंबर में हम लोग बड़े सैडनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है बड़ा सैड सा वेदर है, ऐसा भी है वेदर सैड होता है या हमारी मूड्स ऐसे होते हैं? अच्छा इरम, आपने वो नवंबर दिसंबर की शायरी का नहीं सुना? जी बिल्कुल, मतलब नवंबर, बल्कि नवंबर तो बहुत आगे चल गया, अक्टूबर में ही जो है वो प्री नवंबर फीलिंग आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो हजरात भी शायरी और शायर हजरात बन जाते हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ी होती है। एक्चुअली यस, इट्स मतलब एक पॉइंट, और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे कि एक बाकायदा रिपोर्ट है, इट्स अ डिसऑर्डर, और ये इफेक्ट करता है, और ये नवंबर में नहीं, ये सितंबर के एंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट से, यानी ये फॉल के फॉल और विंटर का स्टार्ट जी, ये बहुत ज़्यादा इसे कहते हैं वल्नरेबल टाइम होता है। ठीक हो गया, सही हो गया, मतलब काफ़ी इफेक्ट करता है, स्पेशली नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा लोग बड़े सैड सैड नज़र आ रहे होते, ऐसा है? जी ऐसा है। क्यों, ऐसा क्यों है वैसे, आप मुझे बताइएगा, आप अपनी राय दीजिएगा। सारे दोस्त भी सैड पोइट्री सेंड कर रहे होते हैं, जो हमेशा फनी होते हैं ना, वो भी सैड ही सेंड कर रहे होते हैं पोइट्रीज वगैरह ग्रुप्स में भी। आप भी करते हैं सैड सैड टिकटॉक बनाते हैं नवंबर दिसंबर में, रोने वाले, ब्रेकअप वाले, या नहीं? नहीं, मेरे ज्यादातर रोबदार होते हैं। रोबदार होते हैं, जबरदस्त, क्योंकि आप है भी जट ना, तो रोबदार तो होना बड़ा जरूरी है, बहादुर भी, और ऊपर से बहादुर भी है। ये आपको वैसे नाम किसने सजेस्ट किया था, जट बहादुर? मेरे दोस्त थे, इस नाम से मुझे छेड़ते थे भाई। बड़े जबरदस्त ऐसे दोस्त होते हैं जो टैलेंट को बड़ा प्रमोट करते हैं, वरना आजकल दोस्त कहाँ ऐसा नहीं कर रहे होते। और आपका नाम जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा, तो वो जट भी और बहादुर, माशाल्लाह से मैं भी जट कॉम्बिनेशन, ठीक है, जट बहादुर बड़ा जबरदस्त नाम है जी। आपसे बात करते हैं, अंग्रेजी सीखना क्यों इतना जरूरी है, और अंग्रेजी सीखते हुए हम क्यों इतना डरते हैं, बोलते हुए क्यों इतना डरते हैं, क्या वजह है? एक्चुअली देखिए, अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी है कि ये मॉडर्न टाइम की बेसिक नीड है, ठीक है। जैसे मैं अक्सर बच्चों को ये भी कहती हूँ कि अगर आप अपने करियर को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, उसके लिए इट्स कंपल्सरी टू लर्न अंग्रेजी, बिजनेस लैंग्वेज है, इसको आना जरूरी है। क्या इसको सर पे सवार कर लेना चाहिए? नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये जो सर पे सवार करते हैं ना, एक्चुअली ये गुलामाना जहनियत जो हमारी बरसों से चली आ रही है, वो उसी के फॉलोवर्स होते हैं। हालांकि अंग्रेजी का बस इतना जानना जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मदद दे, बस आपका काम ना रुक सके, बस बेसिक मकसद इसका ये है। ये नहीं कि हम जैसे हमने किया कि हमारे यहाँ जिसको अंग्रेजी आती है शायद वही पढ़ा लिखा है, जिसको अंग्रेजी आती है शायद वही इंटेलिजेंट है, सारी अलामिया ने क्वालिटीज उसी के अंदर डाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, आप देखिए आजकल हमारे स्कूल्स में हायरिंग जो हो रही है वो इसी बेस पे हो रही है कि आपका स्पोकन अच्छा हो और आपको अपने सब्जेक्ट की अलिफ से बे भी ना पता हो। यही वजह है कि मैथ्स एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसे बच्चों को मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन वही टीचर जो सॉरी टू से मुंह बिगाड़ के अंग्रेजी बोलते हैं उनको हायर कर लिया जाता है। आज हमारी मेजॉरिटी बच्चे की जो है वो मैथ्स से नफरत करती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती हो वही सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा हो, नहीं, बस इतना आना चाहिए कि आपका सर्वाइवल पॉसिबल हो, बस, ठीक। और इससे ज़्यादा इसकी मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बीइंग उर्दू स्पीकिंग तो मैं तो कहूँगी कि उर्दू ना आना शर्म की बात है आज ना कि अंग्रेजी ना। और हम बड़े फ़ख्र से आगे कहते थे हमारे बच्चों को तो उर्दू आती ही नहीं, नहीं आती। इसमें तो कोई फ़ख्र की बात नहीं, आई थिंक ये तो बहुत शर्म की बात है कि मुझे अपनी मदर टंग नहीं आती,
तो और देखिए हमारे यहाँ अलमिया ये है कि उर्दू को उर्दू के अंदाज में नहीं सिखाया जा रहा, अंग्रेजी एक्सेंट में बताया जाता है। एग्जैक्टली, अब आप देखिए हमारे पास होता है हरूफ ताजी में रे अड़े जे जे, जिसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, दैट इज कॉल्ड जे, ये साउंड आती है। और हम कितने स्टूडेंट से पूछे, उनकी टीचर्स उनको से पढ़ा रही होती हैं। अब हम कभी भी अस्तहा नहीं कहते, अजदहा, मिशगा, ये आपकी आलाशेज जो होती हैं उर्दू में, मिशगा, पज मुर्दा, जैसे सैडनेस की बात आई नवंबर दिसंबर के, तो वो पज मुर्दा, ग्लूमी, सैड। और हमारी जब हमारा ये वाला प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होता तो फिर हमें इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे प्लाजर, मैजर, ट्राजर, लेजर, तो यहाँ बच्चों को वो प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? कि हमारा उर्दू जो है वो ही सही नहीं है। ठीक हो गया, पहले हमें उर्दू ठीक करनी चाहिए अपनी। अच्छा मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने देखा होगा जिसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है ना बच्चे की, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है। और अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं वो गैदरिंग में नहीं जाते, फ्रेंड्स नहीं बनाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मैं आपकी राय भी लूँगी इस बारे में, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल है, स्पेशली पाकिस्तान में, यहाँ पे है। यहाँ पे उस बच्चे को इतना ज्यादा हम पैम्पर कर देते हैं, जिसको इंग्लिश आती है वो समझता है कि बस आई एम द बेस्ट, ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं आती, वो कितना इंटेलिजेंट हो, उसको इतना डिग्रेड, डीमोटिवेट किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली, आप देखिए टीचर का एक वर्ड जो है बच्चे को निखार भी देता है और एक वर्ड जो है वो बच्चे की पर्सनालिटी को तबाह भी कर देता है। तो ये वाले जो टीचर्स कहते हैं ना, वो उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं जिस बच्चे को इंग्लिश आती है। हम समझते हैं बस ये इंटेलिजेंट है, ये सारा कुछ है, ये ही कैन डू एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाकी बच्चे जो होते हैं उनको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि आपको तो आती नहीं। आप देखिए इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो कुछ होते हैं जो जिनके इंग्लिश जिनको बड़े अच्छे से आती है, कुछ होते हैं जिनको नहीं आती, तो बाकी ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होगा, वो मुजरिम मुजरिम से बने बैठे रहेंगे, अल्लाह जाने पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। तो मैं आजकल बच्चों पर यही काम कर रही हूँ, खुदा ने इस चीज़ से निकालिए अपने आप को, खुदा ने किसी चीज़ को भी यूजलेस नहीं बनाया। वो जैसे अलामा इकबाल कहते हैं ना, नहीं है कोई निकम्मी इस जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, एवरी पर्सन इज यूनिक एंड स्पेशल। हमें वो फाइंड आउट करना है बीइंग अ टीचर कि हमारे बच्चे में वो क्या स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं और इंग्लिश उसके लिए सानवी बन जाए। हाँ, बस उसे इतनी आती हो कि वो अपना काम कर सके, अपना मतलब पूरा कर सके, ठीक है, एक लैंग्वेज के तौर पे ही बस उसे ले, ठीक हो गया। शेरो साहब से पूछना चाहूँगी कि वाकई जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो मुजरिम बने बैठे होते हैं सोसाइटी में, लोगों में, गैदरिंग में, या नहीं? बाज़ टाइम होता है, बाज़ टाइम नहीं भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश वाले, जिनको इंग्लिश नहीं आती उन पे रोब झाड़ रहे होते हैं, किसी मॉल्स वगैरह पे चले जाएं तो कस्टमर्स वगैरह जो होते हैं वो सेल्स मैन पे, सेल्स गर्ल्स पे बड़ा अच्छे वाला रोब झाड़ रहे होते हैं इंग्लिश बोल, अंग्रेजी बोल जी, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ लैंग्वेज है, ठीक है जी, ठीक हो गया। जहाना आपकी भी राय लेना चाहूँगी, क्या ऐसा है बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है अगर आपको इंग्लिश अंग्रेजी नहीं आती, या नहीं ऐसा नहीं है? हाँ बिल्कुल इफ़ेक्ट करते हैं, बल्कि हमारे उर्दू मीडियम सेटअप पे तो ये इस चीज़ का बहुत ही असर है। इंग्लिश मीडियम जो है वो क्योंकि उनका तो उन्होंने ब्रॉटअप ही बच्चों को ऐसे किया है कि वो वहाँ पे उर्दू जो बच्चा नहीं बोलता, मेरा ख्याल है वो इट्स अ वॉइस वर्सा, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है ये, जिसकी उर्दू नहीं अच्छी होती। लेकिन उर्दू मीडियम में बिल्कुल हमारे यही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि इंग्लिश बेसिकली इस लैंग्वेज, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की ना कि हमारे यहाँ पे हवा बना दिया बिल्कुल, और इसको इतना प्रायर कर दिया गया है कि इंग्लिश में टेस्ट हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू है, एक्सेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, और इट्स जस्ट लैंग्वेज फॉर के जैसे इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर आपको कहीं ऐसा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, इंटरेक्शन की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आपके कुछ ब्रांड्स हो गए, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको, तो आप एटलीस्ट समझ लें उसको। जैसे अब चाइनीज़ पढ़ाई जा रही है इंस्टीट्यूट्स में, पंजाबी पढ़ाई जानी शुरू हो गई,
लेकिन हमारे यहाँ पे ये हुआ है कि बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया ड्यू टू सम रीजंस, और इसको बिल्कुल हमारी जो एजुकेशन है वो इसके अगेंस्ट रिजॉल्व कर रही है, ठीक है। और पूरा वो कहते हैं कि क्योंकि पूरा इसका रिवॉल्विंग इफेक्ट इंग्लिश पे है, हाँ जी। वो बच्चा अच्छा होगा जो जिसकी स्पोकन बड़ी अच्छी होगी जी, और जिसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होगी, तो इसमें वो बच्चे ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। आपने देखा होगा आजकल उर्दू भी ठीक नहीं है, हम अंग्रेजी के पीछे गए तो हमने अपनी लैंग्वेज भी खराब कर ली। ऑफकोर्स आधा तीतर और आधा बिटेर वाला हाल तो हो गया हमारा, हम लोग उर्दू भी ऐसे बोल रहे होते हैं मिक्स, मतलब लिटरली वैसे एट टाइम ऐसा होता है कि कुछ उर्दू के वर्ड्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि इंग्लिश में ये क्या चीज थी, और उनको जेन में इंग्लिश में लाके तो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बिल्कुल बच्चों को भी, और ये मतलब टीचर्स और पेरेंट्स का भी ये हाल हो गया हुआ है बिल्कुल, लेकिन हम इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब एक बच्चे को ओ लेवल ए लेवल पे उनको जब तफहीम पढ़ाई जाती है या खुलासा दिया जाता है तो वो तो उसके लिए बहुत पेनफुल चीज़ होती है, शॉकिंग के ये तफहीम क्या चीज़ है या खुलासा क्या चीज़ है, क्योंकि उसने तो स्टार्ट से पढ़ा ही आपकी पंक्चुएशन पढ़ी है या बाकी उसने टर्म्स पढ़ ली इंग्लिश की, तो ऑफकोर्स एंग्जाइटी और ये प्रेशर तो है बच्चों पर। ठीक हो गया मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो अंग्रेजी का खौफ है कैसे खत्म कर सकते हैं हम लोग? इसको हमें अवेयरनेस देनी होगी अपने बच्चे को, ठीक है। और हमने उस गुलामी का जो जहन है जो एक बन चुका है हमारे गिर्द एक औरा सा बन चुका है गुलामी वाला, उसको हमें वी हैव टू ब्रेक, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें अवेयरनेस देनी होगी, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना होगा। बहुत सारी कौमें ऐसी हैं कि जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती लेकिन वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, दुनिया में बड़ा नाम है। तो हमेशा पनपती वही कौम है जो अपनी रूट से जुड़ी रहती है। अब मैं अपनी लैंग्वेज को डिग्रेड करके और दूसरी लैंग्वेज के तरफ भागूंगी तो ऑब्वियसली मैं ना इधर की रहूँगी, जैसे जहाँरा साहिबा ने कहा आधा तीतर आधा बैठेर, ना मैं इधर की ना मैं उधर की। तो यही अलमिया आज हमारे बच्चे के साथ है, हमारा बच्चा ना प्रॉपर उर्दू लिख पा रहा है ना इंग्लिश लिख पा रहा है। एमए इंग्लिश करके आ गया, उसे बोलिए कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, ही इज़ अनेबल टू राइट एन एप्लीकेशन, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन तो ले ली, उसने गोल्ड मेडलिस्ट तो हो गया, लेकिन उसका प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है वो उसको सिखाया ही नहीं गया। ठीक, तो इसमें हमारा जो मीडिया है वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है जी। हमारे टीचर्स स्पेशली बेसिक ड्यूटी जो है ना वो हमारे टीचर्स की है। हमारा टीचर जब तक सिंसियर नहीं होगा तब तक, सॉरी टू से मैं खुद एक टीचर हूँ लेकिन आई नोट दिस थिंग कि जब तक हम लोग सिंसियर नहीं होंगे, हम भी आधे तीतर आधे बटेर हैं, हम भी एक एक वक्त में कई कई जगह जॉब्स कर रहे हैं अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाने के लिए, और कहीं भी हमारी जो आप कह दें अटैचमेंट है वो कम्प्लीटली नहीं है। तो यही वजह है कि हमारा मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पा रहा। मैंने एक जगह थोड़ा सा पढ़ा है, मैं दूसरी जगह भागने की फिक्र में, दूसरी से तीसरी, तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, मैं अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रही। तो सही हो गया, इसलिए मुझे इस तरह बताइएगा कि आज का टीचर क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? हरगिज भी ना, नहीं कर रहा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर टीचर हो जाए ना सिंसियर तो इतना आप यकीन मानिए हमारे बच्चों में पोटेंशियल है, हमारे बच्चों में टैलेंट है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कंपटीशन के काबिल है हमारा हर बच्चा तकरीबन। तो यही वजह है क्योंकि हम विदाउट ट्रेनिंग जो है वो टीचर बना देते हैं, सोती हुई लड़की टीचर बन जाती है, घर को सपोर्ट करने वाला लड़का टीचर बन जाता है, जेहेज बनाने के लिए बच्ची टीचर बन जो गई। कोई कुछ नहीं कर सकता वो टीचर एग्जैक्टली यही जैसे मैंने अपनी बेटी की टीचर से पूछा कि आप क्यों आई हैं टीचिंग लाइन में, तो शी सेड कि हम दो बहनें थे, एक की शादी हो गई तो मैं घर में रोती रहती थी, अम्मा ने कहा जाओ टीचिंग करो। तो जिसके पास कोई मकसद नहीं है हाउ कैन शी और ही टीच इट। ठीक हो गया। अच्छा जहारा, आप भी एक बेहतरीन टीचर हैं, आप अपनी मर्जी से आई हैं टीचिंग में, आपको लगता था कि आपको टीचिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, और जैसे उन्होंने कहा ना कि कोई मेरे पे फोर्स नहीं था कि आप करें, इट्स मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा कुछ नहीं था तो इसलिए करनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि जो चीज़ मैंने लर्न की है ना अपनी टीचिंग करियर से, ऑल्दो आई एम टीचिंग एज अ विजिटिंग फैकल्टीज इन यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़रा, लेकिन ये बच्चे थोड़े ग्रोन अप हो चुके होते हैं, फिर भी आप देखें अगर मुझे 20 से 25 साल का स्टूडेंट मिल रहा है पढ़ाने के लिए, तो जब मैं उस बच्चे से पूछती हूँ इस क्वेश्चन के, अच्छा आज आपने पहले दिन जो मेरा लेक्चर होता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो मैं कहती हूँ अच्छा
हु आर यू बेसिकली ना, और अगर आप मुझे अभी लिख के दिखाएं कि हु एम आई अपने बारे में, तो उनका सिर्फ दो तीन होते हैं कि माई नेम, आई एम स्टडिंग दिस जी, और दिस इज़ माई इंस्टीट्यूट एंड दैट्स इट. बच्चों को पता ही नहीं कि उनका एम क्या है, उनका पर्पस क्या है, उन्होंने करना क्या है, उनके गोल्स क्या हैं जी. ये चीज़ें बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हैं, और मुझे बहुत अफसोस होता है. मेरा जो पहला वीक होता है, पहले वीक में, वो सिर्फ इसी पे डिस्कशन होती है कि एक्सप्लोर योरसेल्फ, आपका बेसिक टैलेंट क्या है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप करना क्या चाहते हैं. बच्चों ने अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन है यहाँ पे, क्योंकि देखें टीचर भी इसलिए अपने उससे सिंसियर नहीं रह गए क्योंकि टीचर को कुछ दिया भी नहीं जा रहा ना. चले खासतौर पर छोटे लेवल पे, स्कूलिंग लेवल के जो टीचर्स हैं उन पे, तो उनको फिर अपना सर्वाइवल के लिए दे हैव टू डू अकेडमीज एंड ट्यूशंस एंड बहुत लॉट ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, जिसकी वजह से उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो नहीं रही. अच्छा, सेम इस तरह स्टूडेंट्स हैं कि जब स्टूडेंट्स भी हैं उनको ये पता है कि यार हमने लाख डेढ़ लाख दे के ये सीट ली है और बस हमने हमारा फ़र्ज अदा हो गया बिकॉज हमने पे किया. और ये मैंने एक स्टूडेंट से अभी लास्ट ईयर में, एक बच्चे को मैंने क्लास में कहा कि अच्छा अब आप इस सीट पे नहीं बैठेंगे, दे बोथ वर टॉकिंग, तो कहता उसने आहिस्ते से कहा मैम ऐसे ना करें ना, देखें मैंने 60,000 की तो सीट ली है ये ना. अब मुझे फ़ौरन से उसकी ये बात क्लिक की है कि यार बच्चे के जहन में चल क्या रहा है कि बेसिकली ही बॉट दिस सीट और बस मैंने अभी आगे कुछ नहीं करना. अब ऐसे बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका क्या पोटेंशियल होगा और वो कितना एक्सप्लोर करेगा जी. बिल्कुल नहीं करेगा. उसने जितना एक्सप्लोर करना था वो जब उसने पे कर दिया तो उसने अपना वो फर्ज अदा कर दिया. ठीक है, तो हमारा जो टीचिंग, जो अभी आपने फियर की बात की थी ना, डर कैसे इंग्लिश के निकलेगा, बिल्कुल एक्चुअली डर तो हमको डाल रहे हैं उनके अंदर. हम उनको कहते हैं तुम ये नहीं करोगे, तुम्हारी स्पोकन ही होगी बेटा, देखना तुम कहीं नहीं सर्वाइव कर सकते. एग्जैक्टली तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हें कोई जॉब मिले, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पोकन, यू हैव टू लर्न इंग्लिश. आपका तो एक्सेंट ही वो नहीं है. अब बच्चा क्या है, वो उसका सारे का सारा जो फोकस है वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज पे है या मैथ्स के ग्रेड्स पे है जो सी और डी है. इससे बाहर जिंदगी है ही नहीं स्टूडेंट्स की. ठीक हो गया. अच्छा जहाना, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी है, अभी पढ़ा भी रही हैं, कॉमन एक जो प्रॉब्लम यंगस्टर में आपको देखने में मिली वो क्या थी, कॉमन थी जो आपको लगा हाँ इस बच्चे में भी है, इस बच्चे में भी है. हर जगह पे जो चीज़ मैं फील करती हूँ नोटिस, वो ये कि दे आर कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूज्ड यूथ इज कन्फ्यूज्ड, टोटली कन्फ्यूज्ड करियर को लेके. करियर को लेके, और करियर तो चले अभी उनके पास दो तीन चार साल होते हैं, उनको यही नहीं पता कि हम कौन हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम लोगों ने अपने आप को, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. बस जी, अभी एक बच्चे को मैंने कहा बहुत मुश्किल होगा आपके लिए आगे ये करना, तो कहता है मैम मैट्रिक में भी पेरेंट्स ने ये कहा था, यहाँ तक आ गए हैं ना हम लोग. अच्छा, तो आगे भी ये हो जाएगा. तवक्कुल. तो जो यूथ है बेसिकली, आई एम सॉरी कि हमारा जो यूथ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि ये तो सुबह सुबह ही मुझे बड़ा, लेकिन ये कि बेसिकली जो है बच्चे कन्फ्यूज है. ठीक है, सही हो गया. आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा है यंगस्टर जी? ऐसा है, बिल्कुल है. बहुत सारे दोस्त मेरे जो है वो मैट्रिक पास करके बाद में पूछ रहे होते की करा मैं. हाँ, और किसी को वो... भी नहीं पता होता हमने क्या करना. माँ बाप को भी जो सारे मोहल्ले वाले इस फलाने का मुंडा आया करता है, तू भी आया करता है. हाँ, बस यही होता ज्यादातर जी, ज्यादातर सही हो गया. तो आपने क्या पढ़ा? मैंने बीबीए. अपनी मर्जी से पढ़ा? मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे टिकटॉक से मुझे बहुत सारा फायदा हुआ. सही सही. अब आप ये मत लोगों टिकटॉक बनाना शुरू कर दे. ठीक हो गया, सही हो गया. अगर आप टीवी पे काम कर रहे हैं, आप एक्टिंग जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टिकटॉक पे नहीं है तो इसका मतलब आप फेमस नहीं हो सकते. फेमस हो सकता हूं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आसान तरीका है ये, सबसे आसान. आपकी राय इस पे जरूर लेना चाहूंगी. आज के बच्चे जो हैं वो कहते हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ उनके साथ, शॉर्टकट जल्दी से शॉर्टकट होना चाहिए और जल्दी से हम फेमस हो जाए और कामयाब हो जाए हम लोग. अच्छा, ऐसा ह्यूमन नेचर ना, इट्स अ ह्यूमन नेचर जिसके अंदर ये होता है कि आपको सबको शौक होता है कि हमारा एक नाम होना चाहिए ना. अच्छा, और ये वाला जो माइंडसेट है ना हमारा, ये हमारे पैदा होते साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें ये मैसेज दे रहे होते जी, कुछ बनना है, कुछ करना है तुमने ना. अब ये मैसेज अनकॉन्शियसली एक अब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, तो एज के साथ साथ ये होता है कि हमें
क्योंकि डिफ़िकल्टीज आती हैं, मीडियम्स डिफरेंट हैं एजुकेशन के, तो फिर हमें ये लगता है कि हमने अब कैसे फेमस होना है, तो फिर इस तरह के भी आते हैं केसेस लिटरली, मतलब कि बच्चे अपने डिफरेंट फोरम चूज़ करते हैं, लेकिन शॉर्टकट वाला जो होता है ना, आप ये समझें कि वो फिर उसका ड्यूरेशन उतना ही शॉर्ट होता है, वो लॉन्ग नहीं होता। आप जितनी जल्दी फेम हासिल करने की कोशिश करेंगे आपका उतनी ज्यादा, मैं ये नहीं कहती कि हर केस में होता है, बट नॉर्मली जो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि उसका फॉल ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि आपने प्लान नहीं की होती चीज़ ना, और जो भी चीज़ें प्लान नहीं की होती हैं वो आपको फिर फायदा नहीं देती ना। जो आपका लॉन्ग टर्म का फेम होता है या लॉन्ग टर्म का होता है वो उसके पीछे प्लान होता है। बिल्कुल, मुझे खुद बड़ी हंसी आती है कि 4-5 साल पहले आई मेड अ फेसबुक पेज और उस पे जो मैं चीज़ें शेयर करती थी या कुछ, कभी अभी वो मेमोरी आए तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि क्या शेयर करती थी, सिर्फ ये कि मेरे पेज की व्यूज जो है वो बढ़ जाए और उसके जो लाइक्स हैं वो भी बढ़ जाए ना। अब मैं सोचती हूँ कि आपके पास आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप अपनी ज़ात में क्लियर होने चाहिए, ठीक है, जो आपकी शोहरत है या आपका पैसा है या आपका करियर है, बिल्कुल ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। और मैं बताऊँ, ये खुद आती हैं चीज़ें आपके पास, आपको जाना नहीं पड़ता, आपको मांगना नहीं पड़ता, ठीक, अगर इफ़ यू हैव अ राइट प्लान। बिल्कुल, अगर आप शॉर्टकट से आते हैं, जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चले भी जाते हैं, लोगों को आपका नाम याद नहीं रहता। जैसे आप वेट लॉस का देख लें, आप जितनी रैपिडली कम करेंगे वो उतनी तेजी से रीगेन हो जाएंगे, और जितना आप लॉन्ग टर्म में जाके करेंगे वो उतना ही आपके लिए, क्योंकि लॉन्ग में वो आपकी हैबिट्स बन रही होती हैं और वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। शहरोज़ कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत जल्दी फेमस होते हैं? खैर आपने तो 6-7 मान लगाए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप बहुत जल्दी फेमस हो गए, तो उतनी जल्दी चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं जी। कुछ लोग होते हैं जो रातों रात फेमस हो जाते, जैसे वो चाय वाला था, काफी फेमस हुआ था, उसी तरह वापस गया वो, हाँ वो उसी तरह वो चाय बना रहा है वो, एक दो मतलब उसने शोज वगैरह किए, फिर वो एक पेंट वाला था जो सिंगर जी, हाँ, बेक के साथ उसका सॉन्ग आया, उसके बाद पता ही नहीं वो किधर है, जो रातों रात फेमस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो टिकटॉक पे भी ऐसे हैं? नहीं, टिकटॉक पे रातों रात नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी। आप एक टिकटॉक बनाने से पहले तैयारी करते हैं, डायलॉग याद करते हैं या बस याद करते हैं, फोन ऑन किया स्वाइप करते रहते हैं, जो आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ तो फिर आप उस पे करते हैं, लेकिन उस वीडियो पे अच्छी खासी मेहनत होती है, मेहनत होती है। अच्छा मुझे बताइएगा शहरोज, आपने देख, आजकल मैंने सुना है कि जो टिकटॉक पे थोड़े फेमस हो जाते हैं, अगर उनके साथ आपने टिकटॉक बनाना है तो वो आपसे पैसे लेते हैं? जी काफी लड़के हैं, लड़कियां भी हैं ऐसी, तो आप लेते हैं पैसे? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। अच्छा, मतलब आप फीस भी लीला लोगों के साथ? जबरदस्त। मैम आपसे पूछना चाहेंगे, आइल्स के टेस्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, क्यों लोग टेंशन में आ जाते हैं ये सोच के कि हमारा टेस्ट है हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं? तो इरम, इसमें यही होता है कि वही प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमारी बेस स्ट्रांग नहीं होती, और हमारे लोगों के जहन में यही चीज़ होती है कि जब तक टेंसेस नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, दुनिया हिलेगी नहीं अपनी जगह पर, ऐसा ही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें आइल्स के टेस्ट में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, और देखिए हर काम को करने का एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसेस होता है, जब आप उस तरीके के ज़रिए किसी भी काम को करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस और कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसी तरीके से आइल्स में, जैसे हमारे आपने एड्स देखे होंगे, 28 डेज में आइल्स कर लीजिए कामयाबी, 9 बैंड्स ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे की बेस ही नहीं है, जिसको रीडिंग प्रॉपरली नहीं आती, राइटिंग जिसकी ठीक नहीं है, तो वो कभी भी 28 डेज में नहीं कर सकता, इट टेक्स टाइम। और उसके अलावा जो है जिन की मतलब एक स्टैंडर्ड इंग्लिश हो, जो लिखना बोलना जानते हों, उनके लिए 28 डेज में उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करा के, और उनको बैंड्स 0 to 9 तक इसके बैंड्स होते हैं, और हाईएस्ट जो होता है वो 9 होता है, तो वो 9 बैंड्स तक आ सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर है ये भी हमारे माशरे का ही बनाया हुआ है, क्योंकि बाहर जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और फिर हमारी मेजॉरिटी जो है वो उसी वक्त इंग्लिश को टच करती है जब उनको कोई मुश्किल होती है, उसके अलावा हाथ नहीं लगाया जाता। अगर हम अपनी रूटीन बना लें, थोड़ा थोड़ा सा भी एक पैराग्राफ रोज पढ़ लें, ज़्यादा नहीं। अब आप देखिए, एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं है, हैं भी तो उसमें जो बुक्स हैं, हाँ उसमें बुक्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे बच्चे के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है,
ठीक है, वो होना बहुत शदीद जरूरी है। और उसके अलावा जो है हमारे जो एकेडमिक्स है उसमें ये होना चाहिए कि आपका वंस डे जो है वो आपका एक पीरियड होना चाहिए जो आप लाइब्रेरी जाएं। ठीक हो गया, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मज़े मज़े की बातें हो रही है, टिकटॉक के बारे में बात हो रही है, अंग्रेज़ी के बारे में बात हो रही है और मूड के बारे में भी बात हो रही है। मैं चाहूँगी मैम आप कंटिन्यू करें, बताइएगा कैसे क्या टेक्निक्स हैं आइल्स का टेस्ट पास करने के। आइल्स का टेस्ट पास करने की सबसे बड़ी टेक्निक प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना आपकी ग्रिप आती चली जाएगी, आप उसकी टेक्निक से वाकिफ़ होते चले जाएंगे और जैसे जैसे आपको टेक्निक्स पता चलती चली जाएंगी और आपकी उस पर ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और आप इट विल बी क्वाइट इजी टू पास योर आइल्स एग्जाम। ठीक हो गया, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। डरने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमने इस फेयर को ही ख़त्म करके तब आइल्स की तरफ बढ़ना है और दुनिया में कोई भी फेयर ऐसा नहीं है जिसका ख़त्म करने का कोई सोल्यूशन मौजूद ना हो। और उसका सलूशन यही है कि आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपको जट बहादुर की तरह बहादुर बनना पड़ेगा और बहादुर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम। और ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा रिक्शे के पीछे लिखा होता है 15 दिन में फरफर अंग्रेज़ी बोला सीखिए। तो ये कोई फरफर अंग्रेज़ी आती है 15 दिन में? नहीं नहीं, 15 दिन में हरगिज़ भी फरफर अंग्रेज़ी नहीं आती। जो फरफर आती थी वो भी चली जाती है। तो फरफर अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेसिकली आपके लिए यही है कि आप प्रैक्टिस करें, आप जो सीखें उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। हमारा बच्चा जो है वो कोर्सेज करने के बाद भी अंग्रेज़ी बोलने का अहल इसलिए नहीं होता कि वो क्लास की हद तक रखता है उस एनवायरमेंट को और आगे बाहर आके बोलते हुए उसको बड़ा खौफ महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे वही आपकी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है, वो मजाक उड़ाते हैं, वो आपको पॉइंट आउट करते हैं और हमारा बच्चा जो है वो जैसे कहते हैं ना बड़ा है अंग्रेज़ी बोलने वाला, टेढ़ा मुँह करके बोल रहा है, तो उससे हमारा बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो जो सीखता है उसको प्रैक्टिस में नहीं लाता। तो जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और पहले आप गलत ही बोलना शुरू करेंगे और जब गलत बोलते हैं तो उसमें कोई शर्माने घबराने की बात नहीं। मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, ऑब्वियसली आप शुरू में गलत बोलेंगे और ग्रेजुअली जो है आप इसको इम्प्रूव करते हुए सही की तरफ जाएंगे। तो पहले हमने इस खौफ को दूर करना है कि मैं अंग्रेज़ी कैसे बोलूँ। आपने बस जो कुछ आता है उसको बोलना है। मैं बहुत प्रमोट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो गलत भी बोलें, बाकी बच्चे हंस रहे होते हैं, लेकिन मैं उसको इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि वो उसकी हैबिट बन जाती है। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये क्लास में ये कॉन्सेप्ट वैसे ख़त्म होना चाहिए अगर एक क्लास है ही अंग्रेज़ी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, कि वहाँ पर अगर एक बच्चा बोल रहा है तो बाकियों को नहीं हंसना चाहिए क्योंकि सब तो सीखने के लिए आए हैं। बिल्कुल, लेकिन यह अलमिया है कि जिनको नहीं आती वो ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिनको आती है उनका ज़र्फ फिर भी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू उनके जिनको नहीं आती। ठीक हो। अब मैंने ऑस्ट्रेलियन टीचर्स के साथ एक दो कोर्सेज किए और वहाँ पे मजाले उनके चेहरे पे ज़रा सी भी मुस्कुराहट आ जाए और यहाँ पे हमारे कोई सही भी बोल रहा होता है तो उसको डीमोटिवेट करने के लिए इतने लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए वही आपको बहादुर बनना पड़ेगा। यू हैव टू फेस दिस चैलेंज। बहादुर बनना पड़ेगा, बड़ा जरूरी हो गया। आज इनका नाम भी काफी इस्तेमाल हो रहा है हमारे शो में। तो आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपका एक स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल है, बेड है और आप जिस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, तो आप पंजाबी बोलना काफी पसंद करते हैं जी, ये सिर्फ एक्टिंग की हद तक या वैसे भी बोलना पसंद करते हैं? मैं वैसे पंजाबी प्रमोटर या उर्दू ताडे शो तो ही बोली मैं पहली। तो आपने क्यों नहीं बोली? हम तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, आप बोल सकते हैं पंजाबी और कंफर्टेबल होके बोल वीडियोस सकते हैं। वगैरह जिनिया भी मेरी होंदी है ना सारियां पंजाबी दे विच होंदी है ना, टोटल जट और जमीन के रिश्ते के उत्ते सारा कुछ हो कुछ ही होंदा। आप अपनी जट बरादरी को प्रमोट कर रहे होते हैं जी, लस्सी दूध दही ये सारा निजाम। ठीक हो गया, आप एक कल्चर को लेके साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा जट बहादुर, आपने देखा होगा गेट टुगेदर होते हैं आपके काफी, एक इवेंट्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे स्टार्ट में बड़ी बदतमीजी देखने में आई। हाँ जी। तो क्या कंट्रोल किया जा रहा है इन चीजों को या नहीं किया जा रहा है? कंट्रोल बस सिक्योरिटी बाउंसर्स वगैरह दे देते हैं, नहीं इस कंट्रोल नहीं, वो तो आपको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी दे रहे होंगे
चार लोग जा रहे होते अंदर छोटी सी एक बच्ची ठीक हो गया ये शुरू कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। आपने मॉडलिंग कब स्टार्ट की? मॉडलिंग शुरू से ही, मैं तब गुल अहमद पे जॉब करता था। ठीक है। हाँ जी, तो तब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा था, मॉडल्स की जो बुक होती है, कैटलॉग जो होती है जी, मैंने उधर से एम लिया था कि मैंने इधर आना। आप पंजाबी बोल सकते हैं, पता है आप खुद उर्दू बोल रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही, अगर आपको पसंद है पंजाबी बोलना तो आप जरूर बोलिए। और बड़ी मीठी जबान है। बड़ी मीठी जबान है जी। ठीक हो गया, तो फिर आपने मॉडलिंग। हाँ, अच्छा मुझे बताइएगा मॉडलिंग मुश्किल है या टिकटॉक बनाना? टिकटॉक बनाना ज्यादा मुश्किल है, मॉडलिंग देते बस पोज मार के खड़े हो जाना। ठीक हो गया, टिकटॉक बनाना मुश्किल है। हाँ जी, ज्यादा मुश्किल है, लोग डिस्टर्ब बहुत करते होंगे ने, बना रहे हो हूटिंग भी बहुत कर रहे होंगे ने पब्लिक प्लेस दे विच, तुहाडे फैंस बहुत आ जांदे ने। तो कभी ऐसा हुआ आप गए और बहुत ज्यादा लोग आ गए आपको मिलने के लिए और आप घबरा गए और कि नहीं प्लीज बहुत ज्यादा लोग आ गए सेल्फीज लेने? बहुत हर टाइम ही आ जांदा, हुन ते गड्डी नु भी काले शीशे लुवाए। अरे जबरदस्त ना लोवे। हां जी, इतना तो फवाद खान ने भी नहीं किया होगा जितना आपने अपने आप को वो किया हुआ। ऐसे ही है ना जी, जैसे मतलब कि जहां जाते हैं लोग आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने भी मैं स्टेटस ला दिया, मैं इस टाइम इतने राज पाइएगा इतने भी। नहीं भैया, बिना लगाइएगा, हमें शो करने नहीं दीजिएगा। जाहिर आप बताइएगा, आपने बताया कि जब वेदर चेंज होता है तो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड्स भी थोड़े चेंज होते हैं, मूड्स भी होते हैं। स्पेशली लोग कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मगरिब के वक्त जो होता है एक उदासी सी फील होती है, कि नहीं ऐसा नहीं है, सारा दिन ही फील हो रहा होता है आपको? एक ख़ास टाइम होता है इरम, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फॉल का बिल्कुल एंड होता है और विंटर का स्टार्ट, जिसमें ये सैड डिसऑर्डर जो है ये अपीयर होता है। और इसकी जो टाइमिंग्स हैं, जो सिम्टम्स में बेसिक इसका आता है, जो रिपोर्ट करते हैं कंप्लेन मोस्टली आती हैं, वो इवनिंग में ही आती हैं, क्योंकि इवनिंग में एक ही होता है आपकी सनलाइट कम हो रही होती है, आपकी ये एनर्जीज भी कम हो रही होती है, एनर्जी लेवल आपका डाउन जा रहा होता है, आप क्योंकि मॉर्निंग से बहुत एक्टिव होते हैं और शाम को ये होता है कि आप थके हारे भी होते हैं और उसमें जब सनलाइट भी कम हो रही होती है तो थोड़ा ड्रेन फील करते हैं। उसके साथ जो आपकी मूड की जो स्टेबिलिटी है वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि लोग रिपोर्ट करते हैं कि हाँ इस टाइम बड़ा रोना आ रहा है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आती हैं, बहुत और पता नहीं क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। हाँ, ये तो वैसे खवातीन का तो नॉर्मल ये वाला होता है कि रोना आ रहा है लेकिन क्यों आ रहा है ये नहीं पता। बल्कि मुझे याद है हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे कि जब कोई काम लड़की को नहीं होता ना तो वो कहती मैं आज रो ही लूँ, काम कोई नहीं। सो इवनिंग का जो ग्लूमी इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली, उसके अलावा एनर्जी लेवल कम होता है, रोना बहुत ज़्यादा होता है, आपको इरिटेबिलिटी होती है मूड के अंदर जी, आपको चिड़चिड़ापन सा फील होना शुरू होता है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है आपकी, आप इस फेज़ के अंदर कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। और हम ये कहते हैं कि लें भी मत, क्योंकि जो इनिशिएटिव आप लेते हैं वो फिर कंप्लीट फुलफिल भी नहीं हो सकता ना। और इसके बाद फिर जिसे कहते हैं ना वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है, और जब ये सब कुछ आता है तो ऑफकोर्स आपके जो फूड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपका मूड एंड फूड यू नो रिलेटेड है, तो आपका खाना पीना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप फिजिकली भी सपोर्ट नहीं आपको रहती है। और ये तब तक इसका ये है नेचुरली, ये 2 माह में 1.5 माह में ये जैसे ही मौसम चेंज होता है स्प्रिंग के अंदर, तो एब्रप्ट चेंजेस आती हैं मूड के अंदर। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मैनिक में चले जाते हैं, दे फील हाई, दे फील बड़े एक्साइटेड होते हैं वेदर चेंज होते, फॉल को बड़ा एंजॉय करते हैं ठीक है, और वो विंटर को बहुत एक्साइटेड होते हैं, विंटर को लेके पार्टीज उनकी पूरे साल में वो स्पेसिफिक इस टाइम का वेट कर रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कुछ डिप्रेसिव फेज में जाते हैं और कुछ मैनिक फेज में जाते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है, जो लोग ज़्यादा ही सैड हो जाते हैं उन्हें कैसे वापस लाया जा सकता है? देखिए, हम तो ये कहते हैं क्योंकि ये वो टाइम होता है स्पेसिफाई जिसको आप बिल्कुल भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, यू जस्ट यू नीड टू मैनेज योर मूड। और थोड़ा सा ये होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पे ना, तो हम हर चीज़ को ये लेके कहते हैं कि बड़ा डिप्रेशन हो गया है ना, और डॉक्टर्स पे लोग चले जाना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर्स भी फॉरन से जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि ये चीज़ होती है कि आपका लाइफस्टाइल है, आपको मैनेज करना होता है टाइम को, अपने को, अपनी एनर्जीज को, अपने एनर्जी की जो कंजम्पशन है उसको भी अपने मैनेज करना होता है कि हम एनर्जेटिक हों, आपने खुद फाइंड आउट करना है। जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं कहती हूँ आप पहले तो बताएं कि आपको कौन सा खास टाइम है जिस पे यू फील रियली ड्रेन्ड, आपने फिर उस टाइम के लिए अपनी एनर्जीज को सेव करना है ठीक है, और उन्हीं टाइम्स के अंदर आपने अपने आप को अकेला नहीं करना,
ठीक है, आइसोलेट नहीं होना, लोनलीनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, आप उसी में कोई एक्टिविटी निकालें, उसी में वॉक करें। अच्छा, इस में ये भी होता है क्योंकि सनलाइट कम हो जाती है जी, रात जल्दी होती है, तो मोस्ट ऑफ द जो लेडीज़ हैं उनकी वॉक ख़त्म होती है। बिल्कुल, वो कहती हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग वॉक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर ठंड की वजह से भी लोग कहते हैं कि सर्दी थी तो हम इवनिंग में बाहर नहीं निकलते। हाँ, जिसकी वजह से आपका जो है वो जो इंडोर्फिन एक हार्मोन जो कि बड़ा सपोर्ट करता है आपको जी, वो भी कम हो जाता है जो कि प्लेयर देता है आपको। और एड्रेनालिन जो होती है उसका कंटिन्यूस रिलीज होता है जो कि स्ट्रेस कॉज कर रहा होता है। तो आपने खुद से मैनेज करना होता है, सिर्फ हेल्प ले सकते हैं आप थेरेपिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, और उसने भी आपका जो है वो लाइफस्टाइल को ही मैनेज करना होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको होता है मगरिब के टाइम ऐसे कुछ फील होता है या नहीं, आप बिजी होती हैं? नहीं नहीं, वही बात आ जाती है जो लोग एक टर्म यूज़ होती है वेले, तो उन पे वाकई ही डिप्रेशन आता है और ये हमने ऑब्जर्व किया। और ख़वातीन में एक चीज़ होती है गुमनाम उदासी, वही बात जो जहरा साहिबा ने किया कि दे डोंट नो कि क्यों हो रहा है ऐसा, और ये ऐसा वाकई होता है। और ये यंग जनरेशन में आपको ज़्यादा नज़र आएगा या बूढ़े लोगों में आपको ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि वो इस एज में है कि वो चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर्स जो है, जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि मगरिब के वक्त इकट्ठे हो गए और बातचीत हो रही है और खाना भी मगरिब के वक्त ही खा लिया जाता था नियर टू दैट टाइम, तो वो वाली चीज़ जो हमारी यंग जनरेशन और हमारे जो बूढ़े लोग हैं उनमें आपको ज़्यादा नज़र आएगी। और उसकी बेसिक वजह यही है जैसे मैम ने बताया कि मौसम का भी इफ़ेक्ट आ गया, उस पर डाइट का भी हो गया, लेकिन जब तक आप ऑब्ज़र्व कीजिए पास्ट में जाइए तो ये चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त मगरिब के वक्त एवरीबडी हैज़ टू बी एट होम, तो क्या होता था वो जब सारे इकट्ठे होते थे वो गप शप पूरे दिन किया, माए कहती थी मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, एग्जैक्टली ये होता था। और जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती रही तो आप देखिए ये वाली चीज़ नहीं थी, कहाँ माहिर नफ्सियात हमारे यहाँ होते थे और कहाँ डिप्रेशन होता था, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी तो नहीं होता था जी। ये सब इसलिए कि सब मिलजुल के रहते थे, इत्तफाक, यूनिटी, इत्तेहाद जो था वो ब्लेसिंग थी हमारे लिए। ठीक हो गया, आप एक कॉलेज में टीचर भी हैं, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाई और सिखाई जाती है, मुझे थोड़ा इस बारे में बताइएगा क्या। देखिए मैं पहले आई वॉज इन जनरल एजुकेशन, अब मैं स्विच किया टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ऐसी एक पोस्ट आई इंग्लिश टीचर की और मैं मजाक में गई और वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई और आजकल मैं पॉलीटेक्निक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। और अलमिया ये है कि ये हमारे यहाँ का सबसे इग्नोर्ड फील्ड बन चुका है, हालांकि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो टेक्निकल एजुकेशन पे बेस करती है। जब मैंने वहाँ जाके ऑब्ज़र्व किया कि आपका जो एक डिग्री होल्डर है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पे चल रहा है, आप देखिए हमारा सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम जनरल एजुकेशन जो है हमें वो सारी चीज़ें नहीं देता जिसकी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत होती है। और फिर यही वजह होती है कि हमारा बच्चा जब डिग्री लेके बड़ी उम्मीदें लेके मार्केट में जाता है तो उसको जगह जगह रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसको वो कुछ नहीं सिखाया गया कि हाउ टू फेस चैलेंज, आपने कॉन्फिडेंस कैसे करना, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, इन सारी चीज़ों को हमारा एजुकेशनल सिस्टम टच नहीं करता। तो ये वाले जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है ये बच्चों को स्किलफुल बनाती है, बच्चे औजारों से खेलना जानते हैं, बच्चे मशीनों से खेलना जानते हैं, बच्चे आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम से खेलना जानते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो उनको एक दिन भी जॉबलेस रहने नहीं देती। और ये ज़रूरी है, बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो उसके स्किलफुल लोगों में पोशीदा है, और ये जब तक हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लैब्स ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है और बच्चों को थ्योरी तो पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकली उनको उससे डिग्री आ जाती है, स्किल्स नहीं होती। एग्जैक्टली, तो अब मैंने इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना शुरू किया है और माशाल्लाह काम होना शुरू हो गया है। लड़कियां भी आ रही हैं? जी, लड़कियां भी कम हैं लेकिन ये है कि लड़कियां भी आना शुरू हो गई हैं। अब दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारी बच्चियाँ मौजूद ना हो, और मैं उनको यही प्रमोट करती हूँ। जैसे पहले दिन मैंने बच्ची को बुलाया, 70 की क्लास थी, और बच्ची से मैंने कहा इधर आइए और आप इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को, तो वो कहती मैं, आई सेड यस यू, और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको लेके आई, उसकी पुश्त पे अपना हाथ रखा कि अब बोलिए, और फिर पहली जिंदगी में वो कहती है कि मैं पहली दफ़ा
इतनी ह्यूज ऑडियंस के सामने बोली हूँ। तो ये वाली चीज़ें जब तक आप इन पर काम नहीं करेंगे, स्किल के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल और प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, ये आपका की है आपके करियर को बनाने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और ये ज़रूरी भी है, लड़कियों को आगे आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल एजुकेशन में भी। जहाँ गाने सुनना पसंद है, कौन से फेवरेट सिंगर है? बहुत शौक से सुनती हूँ मैं गाने, और बल्कि मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं म्यूज़िक ही सुनती हूँ। ज़बरदस्त, कौन से सिंगर पसंद है आपको? बहुत सारे हैं जिनमें, आजकल तो मैं सजाद अली को बहुत सुन रही हूँ। ज़बरदस्त, तो फिर आपको उनका एक ज़बरदस्त सा गाना सुना। बहुत अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए प्ले भी किया। ज़बरदस्त, इट इज़ सो रिफ्रेशिंग फॉर मी एज वेल, सजाद अली इज़ ऑलवेज। बिल्कुल, सबने इंजॉय किया गाने को। अब जी हम बात करते हैं शहरों से, जट बहादुर से। आप मुझे ये बताइएगा, आप अपनी बेड के लिए क्या कोई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेटनर वगैरह या ऑयल, दही कुछ लगाते हैं इसके लिए? जबरदस्त, ये तो बड़ा फायदा है। हाँ जी, बालों पे भी हेयर वैक्स वगैरह सारा कुछ। फुल तैयारी, फुल मेकअप होता है आपका टिकटॉक से पहले? कुड़ियां नालों ज्यादा टाइम लगता है। शुक्र है किसी ने मान लिया है कि खवातीन से ज्यादा टाइम ये लोग लेते हैं। जबरदस्त, आप मुझे ये बताइएगा कि बड़ा टैलेंट आगे आ रहा है, हम लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आपने देखा है कुछ लड़कियां हैं जिनकी वीडियोस बहुत वायरल हो गई, जिनमें से रिसेंट एक लड़की ने सुसाइड भी अटेम्प्ट। जी बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर कोई नहीं चाह रहा कि उनकी वीडियो को वायरल किया जाए तो नहीं करना चाहिए? फैमिली तो सी थी, उन्होंने फिर सुसाइड की थी। जी हाँ, तो जी। क्या करना चाहिए इसके लिए, आपको क्या लगता है कैसे रोका जाए इसको? इसको रिपोर्ट करके रोक सकते हैं, वैसे नहीं रोकना है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग सब मिलके भी कोई गैदरिंग करें और इस बारे में बात करें? गेट टुगेदर तो आपके होते ही रहते हैं। बिल्कुल होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर होएगा। और आपको लगता है कि जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी। ये सिर्फ बातों की हद तक ठीक है? नहीं, जरूरी, वाकई जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पूरी दुनिया में फेमस होना है, सिर्फ एक सर्कल में नहीं होना, सर्कल है तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब आप मान रहे हैं कैसा होना चाहिए? होना चाहिए ठीक। दो तीन मेरे दोस्त और फेमस ने, इन्होंने नाल इस टॉपिक पे गल होएगी। वो ज्यादा फेमस है आप? वो ज्यादा फेमस है, फैन फॉलोइंग के लिहाज। अच्छा, वो ज्यादा फेमस है, तो इसके लिए क्या सिर्फ टिकटॉक ही बनाना जरूरी है? आप लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगा रहे होते हैं, लोगों को लिंक सेंड कर रहे होते हैं। टिकटॉक के साथ अटैच होता है इंस्टाग्राम का अकाउंट, ठीक है, उधर से उसको भी फॉलोवर जा रहे होते हैं, टिकटॉक पे भी आ रहे होते। तो इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं आपके? इंस्टाग्राम पे 35 गुजार रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कम है? हाँ जी घट है, क्योंकि बाद जो मैंने पता चल सी इन्हें भी ला सकते नहीं तो उत्थे भी ज्यादा होने। हाँ पता चल गया। हाँ जी, चले जबरदस्त, आप वहाँ पे भी ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल, तो लोग आपको मैसेज वगैरह करते रहते हैं? बहुत सारे मैसेज होते हैं, बंदा पढ़ ही नहीं सकता। ओहो, तो कैसा फील होता है एक स्टार वाली फीलिंग, जैसे आपने जिक्र किया? स्टार वाली फीलिंग वैसे अच्छी लगती है, लेकिन बंदा तंग आ जाता है बाज टाइम है। मेरे डैड नू हार्ट अटैक आया सी, जना हॉस्पिटल गए, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫੈਨ ਸੈਲਫੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਕੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। खुदा ना खासा कोई फैमिली में या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी फैंस आ जाते हैं, सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं और पूछे बगैर, परमिशन लिए बगैर, क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अनएथिकल है, इट्स टोटली अनएथिकल। हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है जी, और अगर समबडी इज शेयरिंग हिज और हर पर्सनल नंबर, या अपना कोई प्रोफेशनल नंबर शेयर करे कहीं पर, या अपना कोई ऐसी उसकी स्पेशलिटी है, उसकी परफॉर्मेंस है, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया है। उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है और उसकी वही इश्यूज हैं उसके जो नॉर्मल हम सबके होते हैं। एक्चुअली जब तक हम एक कंपेन नहीं चलाएंगे, खासतौर पर अगर जैसे अब बार बार से आप ये क्वेश्चन करी है ना कि आप चेंज लेके आए, अवेयरनेस
और वो सिर्फ एक वीडियो से नहीं होगा, यू नीड टू बी गिव प्रॉपर अवेयरनेस. हाँ बिल्कुल. अब जैसे अगर मैं रिलेट करूँ इसको मेंटल हेल्थ से, तो मेंटल हेल्थ के बारे में तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पेशेंट्स कंट्रीज में. हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ज़हनी बीमारी भी कोई बीमारी है. हम हमेशा यही कहते हैं उसको कि या जिस्मानी बीमारी है, या जादू टूना हो गया है, या नजर लग गई है, या जो है ये हसद है, जलन है, ठीक है, या शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा, मेरे फॉलोअर्स कम हो गए मुझे. हाँ, तो हम लोग भी जो बार बार से हर जगह पे अब जितने भी हैं मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, वो यही कंपेन चला रही हैं कि ये एक बीमारी है, ये एक इशू है. जी. तो इस चीज को भी हमने थोड़ा इस चीज पे करना है. जैसे मेरा एक नंबर मेंशन है प्रोफेशनल, दैट इज आल्सो माय पर्सनल नंबर. हाँ, exactly. तो लोगों में ये नहीं होता कि कौन सा टाइम है जिसपे हमें खातून को कॉल करें. बिल्कुल. तो वो ये रात 11 बजे भी कॉल आ रही होती है कि मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है और मेरा ये मसला है, और मसला नहीं पता होता उन्हें क्या है, लेकिन होता है ऑफकोर्स. रात को 12:30 टेक्स्ट आ रहा होता है कि हमें आपसे बात करनी है, ये टाइम चाहिए. अभी मतलब हम लोगों को बहुत चीज़ें डिफाइन करने की सोसाइटी में ज़रूरत है. ज़रूरत हम है. लोग ये समझते हैं कि अगर कोई नंबर मेंशन है या एक बंदा हमें नज़र आ गया है जो कि एक पब्लिक फिगर हो गया है, तो फिर वो अब हमारी प्रॉपर्टी है, और अगर वो इनकेस हमें रिप्लाई नहीं करता तो हम यूँ से रिजेक्ट करते हैं. ये हम लोगों का माइंड सेट है एक्चुअली, जिस पर हमें काम करने की बड़ी ज़रूरत है. हम लोगों को एथिक्स पे भी बड़ा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है काम करने की. जहाँ ना कभी ऐसा हुआ कि किसी ने फ़ोन करके बहुत डिटेल में स्टोरी सुनाई और उसके बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बहुत दफ़ा हुआ. ज़्यादातर अब तो मैंने आई हैव चेंज माय लाइक, थोड़ा मैं नहीं लेती कॉल्स वगैरह, लेकिन पहले ये होता था कि मैं हमारे जो सीनियर्स थे वो कहते थे कि आप लोगों के अंदर, क्योंकि हमें एथिक्स की बुक पढ़ाई जाती है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा, हमारे लिए क्लाइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है. तो मैं जब पूरी बात सुनती थी तो मैं सोचती थी कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम है इसकी. तो मैं उसको टाल मटोल कर देती थी कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा मशवरा देके. तो डॉक्टर चेंज कर लेते होंगे अगर आप उनके मुताबिक नहीं चल रहे होते. एग्जैक्टली. अपने मुताबिक तो हम किसी के मुताबिक तो चल भी नहीं सकते. और मैं वैसे भी, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पे प्रोफेशन में उन्हीं लोगों को लेती हैं जो अपने ट्रीटमेंट में सीरियस होते हैं या एक्सेप्टेंस होती है जिनके. ठीक हो गया. तो कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनसे बात करने से काफी हद तक वो ठीक हो जाते हैं. नॉर्मली थेरेपी इज ऑल अबाउट द शेयरिंग. हमने कोई, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ लाइक कोई हमने प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना होता, मेडिसिन नहीं देनी होती, वो एक अलहदा डोमेन है. हाँ जी, और बड़ी इंपॉर्टेंट है. बेसिकली तो शेयरिंग ही होती है, डिस्कशन होती है, हिस्ट्री टेकिंग होती है, उसमें बातचीत से ही हमारी कोशिश होती है कि उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया जाए जो कि आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहे होते हैं. नॉर्मली देखें, ह्यूमन जो ब्रेन है इट्स लाइक अ कंप्यूटर जिसके अंदर यू आर सेविंग ईच एंड एवरीथिंग, और जिसमें कुछ नेसेसरी फाइल भी होती हैं, अननेसेसरी फाइल्स भी होती हैं. और एट टाइम फिर क्या होता है कि आपका कंप्यूटर भी तो हमारा स्टक करता है और हमें उसकी विंडो रीइंस्टॉल करनी पड़ती है, या विंडो करप्ट भी एट टाइम होती है. बिल्कुल. तो ह्यूमन माइंड इज़ लाइक दिस. उसमें जब इतनी ज़्यादा सोचें इकट्ठी हो जाती हैं, अनमैनेज थॉट्स होती हैं, अनअटेंडेड थॉट्स होती हैं, और उसके अलावा ये होता है कि ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि बड़ी पेनफुल होती हैं, कोई लॉसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने पेंडिंग की होती हैं कि कभी मौका मिला तो करूंगा, कभी मौका मिला तो होगा, वक्त आएगा तो देखेंगे, यू नो. फिर एट टाइम क्या होता है कि जब वो अटेंड नहीं होती ना थॉट्स, या रिजॉल्व नहीं होती, शेयर नहीं होती, तो फिर वो एकदम से आके कोई ऐसा वल्नरेबल मोमेंट होता है, लॉस हो गया कोई, या कोई ऐसा आपका अपना आपके साथ मिसहैप हो गया जिसके अंदर वो जो पाइल्ड अप आपकी सारी चीज़ें होती हैं ना, वो फिर आपको डिस्टर्ब करती हैं. तो वो फिर एक ऐसा जेन्युइन सी रीज़न होती है जिसमें यू नीड टू शेयर एक्चुअली. आपको फिर वो स्टार्ट से बिल्कुल शेयर करना पड़ता है, और बातचीत ही बेसिकली होती है. क्लाइंट को तो नहीं पता होता है ना कि वी आर डूइंग लाइक हम कोई थेरेपी करें, वो तो अपनी तरफ से दे आर शेयरिंग देयर. जहरा आपसे पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह इतने पेशेंट आपके पास आते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुन रही होती हैं, तो ख़ुद को भी ज़रूरत होती है थेरेपी की? हाँ बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है थेरेपी की. ऐसा शेयरिंग की ज़रूर ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम भी, वी आर ह्यूमन बींग टू, और हम इसी पे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में. हमारी भी प्रॉब्लम्स वही होती हैं, बल्कि एट टाइम तो हमारी बहुत ज़्यादा एक उस पर जाते हैं हम वल्नरेबल स्टेज पे, जहाँ पे अगला बंदा कुछ अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है और आपके साथ सेम वही चल रही होती है. हाँ. जैसे एट टाइम कोई मेरे पास जो मेरी क्लाइंट थी, उनकी मदर बहुत सीरियस हॉस्पिटलाइज थी, शी वॉज नॉट वेल, माई मदर वॉज एज वेल, शी वॉज नॉट वेल. तो उसमें ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉर्मलाइज करके प्रजेंट करना होता है,
हमारी सिंपथीज जो है वो उन पे नहीं इफेक्ट करनी चाहिए, हमारी इश्यूज नहीं करनी चाहिए, तो हमारे साथ भी वो सब कुछ चल रहा होता है। ठीक हो गया, सही हो गया, सही हो गया। अब जी शहरोज से पूछेंगे। शहरोज मुझे बताइएगा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी हादसे पेश आए, कुछ लोग अब हम में नहीं रहे जो टिकटॉक बना रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे ड्राइव करते हुए टिकटॉक बनाना, आपको नहीं लगता इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, जैसे आप जॉब करते हैं एक टाइम होता है, एक्टिंग करते हैं तो आपका एक टाइम होता है कि मैं सेट पर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता इन चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए? बहुत सारे इंडिया दे वेते बैन हो गई है टिकटॉक, इसे वजह तो ट्रेन दे ट्रैक दे उते दुखी वीडियोस बना रहे होंदे ने, ट्रेन दे थल्ले आ जांदे ने जी। अच्छा, तो अभी भी रीसेंट एक दानियाल लड़का था, बच्चा बड़ा प्यारा था जी, वो भी ड्रिफ्टिंग करदा ही एक्सीडेंट होया होंदा जी। हाँ, तो आप एहतियात करते हैं टिकटॉक बनाते हुए कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसे खुदा ना खासा कोई मसला हो जाए? बिल्कुल एहतियात करना पैंदा, हुण कोई लोग ने अग फड़ के मतलब वीडियोस बना रहे, ट्रेंड होंदा कोई ना कोई, कोई डांस कर रहा होंदा, कोई बोतलां होंदे पुशअप मार रहा होंदा, अजीबो गरीब चीज़ां ने, ते बस सिर्फ फेम हासिल करने वास्ते, फेम हासिल करने के लिए। काफ़ी लड़कियां हैं जो काफ़ी जिनमें टैलेंट भी है लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से टिकटॉक से वापस चली गई हैं, लड़के भी हैं क्योंकि वो कहते हैं कि गालियां दे रहे हैं, बदतमीजियां करें, कमेंट्स बड़े बुरे बुरे करें। गालियां वाले सिर्फ दो चार लोग ने जो बहुत ज़्यादा गालियां कर देने, हर किसी को गाली नहीं, जो थोड़ी कम देते हैं वो बेरेबल हैं नहीं, कभी कदार तो चलो बंदे नु गुस्सा आ गया उन्हें कट ली, लेकिन कोई लोग होंगे ने 24 घंटे उन्होंने काम ही होंगे वीडियोज ही उन्होंने गालियां वाली बना। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उनके लिए क्या किया जाए? उन्होंने यही ही कहना चाहिए खुदा दा ना, ये सारे देखते हैं लेडीज भी बच्चे भी वे भी, तो मैनू तो यह नहीं समझ आती कि उन्होंने फैमिली जो उन्होंने वीडियो देखती होगी तो उन्होंने की रेपूटेशन रही होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो की उन्हों का निज़ाम हों, मैनू नहीं समझ आती कि अपने वालदेन अगर वालद कोई बड़ा भाई वेख लवे कि वीडियो जो गाला कटते पे तो क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप जैसे आप कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा होता है बच्चे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आइडियलाइज कर रहे होते हैं, आइडियलाइज कर रहे होते हैं, तो आप ऐसा काम ना करें। अगर आप फेमस हैं लोग आपको देख रहे हैं तो काइंडली इस तरह की वीडियो बनाए कि कोई मैसेज जाए आपकी वीडियो से, लोग आपको पसंद करें। बिल्कुल, और हम लोगों ने प्रायोरिटीज क्या है, ये पार्ट बहुत मिसिंग है हमारा। हमारी जो प्रायोरिटी मेरा ख्याल है वो ये है कि हमारी बहुत ज्यादा रेटिंग होनी चाहिए, वायरल होनी चाहिए, है ना, व्यूअरशिप ज्यादा होनी चाहिए, लाइक्स ज्यादा होनी चाहिए, और उसमें जो मटेरियल है वो कोई भी हो, बिल्कुल, मतलब वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो फेमस नहीं भी होंगे, अपनी वीडियोज नहीं लाते, कोई फेमस स्टार किसी फैमिली नाल बैठा या अपनी बीवी ना मंगेतर ना किसी नाल भी उनकी वीडियो बना के लो जी बच्ची ना बैठा ये, मतलब अपनी वीडियो सिर्फ साथ ऐसा हुआ कभी कहीं आप मेरे साथ हुआ है ना ऐसा। अच्छा, तो वीडियो ला देनी उन्होंने सिर्फ लाइक लेने ने, जलील दोवां ने होना। लड़कियां अगर आपके साथ फ्रेंड्स हैं तो ये बहुत गलत है, कोई फैंस होते हैं जो फैमिली को बताए बगैर, ये तो होगी खवातीन की बात की, खवातीन को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, जहां हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की कि हम लोग इस माशरे में हैं लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए, वहां पे कुछ खवातीन भी मैंने ऐसी देखी है जो अजीब टिकटॉक कर रही बना रही होती है, उनके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया क्योंकि हम तालीम याफ्ता तो होते जा रहे हैं और तरबियत से हमारा बिल्कुल अभी जितने इश्यूज डिस्कस हुए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ तरबियत। ठीक है, पहले एक्चुअली ये होता था कि घर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और बुज़ुर्गों का बहुत अच्छा रोल होता था उसमें, हमारी ब्रॉटअप में, हमारी तरबियत में। अब कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स जो हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तरबियत बेसिकली बनेगी हमारे घर से। आप देखिए, मैं हमेशा ये कोट करती हूँ कि जब तक हमारा बच्चा अपने दादा दादी के पाँव दबाता रहा तो बगैर किसी आप कह लें ट्रेनिंग के उसकी
बेहतरीन ट्रेनिंग हो जाती थी। ऐसे ही है? वो छोटी छोटी कहानियां सुना सुना के जो थे वो किरदार बना दिया करते थे। ऐसे ही है? अब जो है वो सॉरी टू से कि माओ ने दादा दादी से काट लिया कि उनके पास मत जाना, वो खांसते हैं, सिखा देंगे, खांसते हैं, जरासीम लग जाएंगे। और वही बच्चा जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक ही ग्लास में सारे एक ही स्ट्रॉ से पी रहे होते हैं। और वो जो चीजें होती हैं, जब तक हम रहे अपने बुजुर्गों के करीब और हमारे बुजुर्गों का होल्ड रहा घरों में, तो हमारे किरदार बनते रहे। तो आजकल की तालीम जो है वो तरबियत से बिल्कुल बेबहरा है जी। तो हमें तालीम के साथ साथ हमें अपनी तरबियत पे, एथिक्स पे, मैनर्स पे, अब बहुत माजरत के साथ हमने इस्लामियात में कुरान की आयतें बेशुमार डाल दी, जिसमें हमने बच्चे को लफ्जी तर्जुमा, बामावरा तर्जुमा, उसकी तशरी और उसका बैकग्राउंड मदनी है, मक्की है, क्या है, ये सारा डाल दिया। इससे क्या हुआ, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। इसकी जगह हम क्या करते, हम नबियों की कहानियाँ डालते हैं, हम अखलाकी कहानियाँ डालते हैं कि जिससे बच्चों पे, अगर सारे नहीं तो कुछ पे तो असर होता, तो कुछ भी नस्लें अगर संवर जाएं मेरे मुल्क की, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, तो हमें तरबियत को साथ लेके चलना है, बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल, ये हम सबको शुरू करना चाहिए। अभी जैसे हमारे बहादुर भाई ने कहा अब्यूसिव लैंग्वेज, और वो किस तरीके से, मतलब घर वालों के सामने, क्योंकि जिस घर में अब्यूसिव लैंग्वेज कोई बुरी चीज ही नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई देखने में कोई झिझक ही नहीं है, वो तो इन चीजों को और प्रमोट करेंगे। तो जिधर तरबियत है वहाँ पे तू भी बोलेंगे तो वो आपके लिए बहुत बुरा काम किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था कि जब बच्चे कोई बात कर रहे होते थे, पूरी बात सुनने के बाद कहते थे तू क्या होता है, हाँ जी, आपने क्यों बात नहीं की। बिल्कुल, अब आपसे पूछना चाहूंगी, 6 लाख है फॉलोअर्स आपके ना, 7 लाख अभी बैठे बैठे 7 लाख हो गए, पहले तो 6 लाख। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो इन 6-7 लाख में से कोई आपको ऐसी मिली जो आपकी बड़ी फेवरेट हो? काफी लोग ने जेड़े फेवरेट ने, बहुत अच्छी है दोस्त, जो आपको बहुत पसंद आई हो, आई हो सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया तो बगैर दोनों पे। हां जी, एक आई सी बहुत पसंद। हां जी, एक आई है बहुत पसंद, बहुत पसंद आ गई। सबको पता है आपने टिकटॉक वीडियो बनाई है उनके लिए कि मुझे पसंद आ गई, और आप मुझे आज तो नहीं है, उन्होंने हल्ले नहीं पता मैं किसी ने भी पब्लिक में, उसको पता है, उन्होंने तो पता ही है। ठीक हो गया, मैं चाह रही थी आप एक वीडियो भी बना देता कि लोगों को पता चल जाए कि आपने सिलेक्ट कर लिया अपने लिए। इंशाल्लाह ताला उन लिख देंगे आप देखते हैं इस शो के बाद। हाँ जी, उन देख देंगे, तामीर काम होने वाले हैं आपके शो के बाद। और ये जरूरी भी है, और ये जरूरी भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या चीजें हैं जो चेंज करना चाहते हैं टिकटॉक पे, आपके अकॉर्डिंगली वो क्या चीजें हैं, आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो आपको भी पसंद नहीं है? सब तो पहले तो जो गालां वगैरह कढ़ते हैं, एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं, जेलस जेलस वगैरह होते हैं एक दूसरे तो। जेलसी को कैसे खत्म कर सकते हैं? जेलस उन्होंने अल्लाह हिदायत दे, और किसी तरीके नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि यह तो उन्होंने फितरत है ना, इन्हों नहीं कोई भी बदल सकता, ना उन्होंने कोई ऑप्शन है, इन्होंने रिपोर्ट कर दो। हाँ, ठीक है, कि जेलिसी रिपोर्ट। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपको पसंद आई हैं जी, वो आई हैं ना, तो हाँ मुझे ये बताइएगा कि वो भी टिकटॉक बनाते हैं? नहीं, वो टिकटॉक नहीं। वो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो डॉक्टर बन नहीं पी है ना। अच्छा, मैंने यही पूछना था कि वो क्या करती है। जबरदस्त, तो आपने अलाउ नहीं किया, ये उनको पसंद नहीं है टिकटॉक बनाना? उन्होंने पसंद ही नहीं है ना, उन्होंने ना टाइम होता। ठीक है, तो वो आपकी वीडियोस देखती? हाँ जी, वीडियोस देखते हैं, स्टेटस भी लाती हैं। अच्छा, सबको बताती है ना। जबरदस्त जबरदस्त। जहरा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के बच्चों को, किस तरह डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन से निकला जा सके? आप बच्चों को मैसेज दूं मैं, या बच्चों के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँ? दोनों को दे दीजिए, दोनों को जरूरी है। एक्चुअली देखिए, बच्चों का तो ये है कि जब तक वो उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं होंगी ना, तब तक तो बच्चे जो हैं वो डिफाइन नहीं कर सकेंगे। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्ड करके, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करके उसको कोप अप कर सकते हैं। डिप्रेशन की जो टर्म है, बेसिकली ये थोड़ी ऐसी, इट्स अ क्लिनिकल टर्म, और इसका जो ट्रीटमेंट भी क्लिनिकली होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जैसे हम बाकी अपना बुखार और बाकी चीज़ों को करते हैं, उसी तरह ही डिप्रेशन को भी हमें जो है वो डील करना पड़ता है।
सो एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है बेसिकली इसको अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लीड करता है टूवर्ड्स डिप्रेशन. यानी अब कंटिन्यूस इफ यू आर इन स्ट्रेस, कंटिन्यूस यू आर लाइक हैविंग एंग्जाइटी, तो फिर ये लीड करेगा टूवर्ड डिप्रेशन. तो बच्चों को तो ये चाहिए, मतलब बच्चों को मुझे नहीं समझ आती वाई दे आर सो मच स्ट्रेस, वाई दे आर सो मच एंक्शियस, क्योंकि ये तो इतनी एनर्जेटिक लाइफ होती है, बिल्कुल फुल ऑफ जैसे कहते हैं ना एक एनर्जी, और उनके पास इतनी चीज़ें होती हैं करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं. लेकिन आजकल के बच्चे, उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स ने ले ली हुई हैं वो हमारे पेरेंट्स ने नहीं ली थी हमारी. बैग तक माएँ पैक करी होती हैं, गाड़ी तक कोई छोड़ा होता है, उठा कोई रहा होता है, पढ़ाने के लिए कोई आ रहा होता है, लेकिन बच्चे हैं कि वो स्ट्रेस में है. सो इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो है वो एक्टिविटीज में इनकलकेट करने की बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा आसानियां पैदा कर दी उतनी ज्यादा टेंशन पैदा हो गई बच्चों के लिए. हमने आसानी पैदा कर दी है उनकी, लेकिन उनको हमने डिफाइन नहीं किया बेसिकली. बिल्कुल मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि बीइंग अ टीचर कि हमें अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है एक बहुत बहुत बड़ा लैक है हमारी सोसाइटी में. वी आर नॉट इन हैबिट ऑफ अप्रिशिएट अदर्स, हमें अप्रिसिएशन. और देखिए हर कायनात में हर शय दो चीज़ों की मोहताज होती है, तवज्जो और मोहब्बत की. जब हम ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, अब मोहब्बत आप डोंट टेक इन नेगेटिव सेंस, इट कैन बी पॉजिटिव. ये एक माँ और बच्चे के दरमियान में भी होती है, एक उस्ताद और टीचर के दरमियान में भी होती है. तो जब हम अपने बच्चे को तवज्जो और मोहब्बत देना शुरू कर देंगे, मतलब उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है बीइंग अ टीचर. मेरा स्टूडेंट अगर सफ़र कर रहा है वो टेंशन में, अब जैसे हम पढ़ लेते हैं उस्ताद, ये रिलेशनशिप बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है. तो मकसद उस्ताद होता है ना, वो मैं बच्चों को कहती हूँ वो मशरिक मगरिब शुमाल जनूब सब जगह देख सकता है. ठीक हो गया. तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है प्रोग्राम का. यही मैसेज देना चाहना कि टिकटॉक शुगल है, तेनों शुगल तक ही रखो, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो. इवन दी वजह तो लड़ाइया भी बहुत होंगे ने. इन्हें मैं रिपोर्ट है कीता, कमेंट है कीता, बस यही कहना. इसको इंटरटेनमेंट के तौर पर ही लिया जाए. नाजरीन इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आप सबका बहुत शुक्रिया. आपका भी बहुत शुक्रिया मैम. और प्रोग्राम के अख्ताम पर हम नबील शौकत का एक ज़बरदस्त सा गाना भी सुनेंगे. खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.